टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं जमीर अहमद खादरी। आज लॉकडाउन को लेकर शहर भर में तबसरे जारी हैं। हर चौराहे पे चर्चा हो रही है कि पीर से 10 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है। एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है जिसके पास पूरे शहर में अफवाह का बाजार गर्म है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं हुआ है। खुद इंतज़ामिया का ये कहना है कि कल एक मीटिंग होगी और उसमें तमाम आला अफसर मौजूद रहेंगे, और जो कुछ मखसूस एरिया है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा है उन इलाकों में ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। 100% शहर में लॉकडाउन लगाने का कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। बावजूद इसके टीवी चैनल पर आई खबर के बाद लोगों में हलचल पैदा हुई। ख़ासतौर पर वो तबका बहुत ज़्यादा परेशान है जो मुफलिसी और तंगदस्ती का शिकार है। जो रोज़ कमाने वाले हैं वो लॉकडाउन के नाम से ही परेशान है, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि भाई 10 दिन तक क्या होगा, हमारा 10 दिन तक हम कैसे गुजारेंगे। ख़ासतौर पर जो मजदूर पेशे अफराद हैं, रोज़ कमाने वाले हैं, जिनका सुबह कमाए और शाम में खाए ऐसे हालात हैं, वो लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने अभी साफ कर दिया है कि इस सिलसिले में कोई कतई फैसला नहीं हुआ है, और जो अफवाहें गश्त कर रही है उसकी अभी तस्दीक नहीं की जा सकती है। इंतज़ामिया ये फैसला ज़रूर करेगा कि जो पॉजिटिव इलाके हैं जहाँ पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सके। लेकिन चूंकि एक चैनल की मार्फत ये खबरें आम हुई हैं इसलिए लोग इस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, पर हकीकत यह कि इंतज़ामिया ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में बेहद इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि किसी तरह लॉकडाउन को टाला जाए और मरीजों की तादाद पर कमी लाई जा सके। बावजूद इसके मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल्स इस बात को तेज़ी से फैला रहे हैं कि लॉकडाउन होने वाला है और लॉकडाउन पीर से होने वाला है। इस तरह की खबरों से आम लोग परेशान होते हैं। रहबर FRU टीवी का मकसद ही है कि हकीकत आपके सामने लाए। हम तशरीह के बजाय हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।